दिलजीत इज अ बिग सेंसेशन नाउ स्पेशली इन पंजाब एंड दोज एरियाज. इनको लेने की खास वजह बताइए. दिलजीत इज अ ह्यूज सुपरस्टार इन 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 पंजाब एंड राइटफुली सो. बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको एक्चुअली बहुत से लोगों का पसंद कर सकते हैं, बहुत से लोगों के फैंस होते हैं, बहुत बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्यार, जिसे बोलते हैं ना प्यार मिलता है अपनी ऑडियंस का. इनको इनकी जो फैंस हैं वो मतलब एकदम सच्चा वाला प्यार करती हैं, यू नो, जो बहुत बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए. लेकिन जब हमारा जब हमारी कास्टिंग यू नो का प्रोसेस चल रहा था तो क्या होता है कि जब आप एक फिल्म लिख लेते हैं उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो एक एक इमेज सी बन जाती है आपके दिमाग में कैरेक्टर्स को लेके कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखता होगा, ये कैरेक्टर ऐसा दिखती होगी. तो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था बिकॉज मुझे पता था कि यू नो ही ओनली शूट्स विद अ टर्बन. और जो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाके बात बताती हूँ, मैंने एक्चुअली इनके आई वॉज अवेयर ऑफ हिज सॉन्ग हिज म्यूजिक क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बहुत पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, तो मैंने इनके गाने तो सुने थे. फ्लाइट पे मैंने इनकी जट एंड जूलियट इनकी जो एक फिल्म थी वो मैंने देखी थी, जिसकी सीक्वल भी आई थी, इतनी हिट हुई थी पहली वाली. ये कॉमेडी भी बहुत सही कर रहे थे. हाँ, ये एंड्योरिंग भी बहुत ज़्यादा है, साथ में ये वल्नरेबल से भी लगते हैं, यू नो, उसके साथ में डेप्थ भी लगती है होती है. तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत रेयर होता है. तो समवेयर एज एन एक्टर आप ये चीज़ें देख लेते हो, यू नो. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. क्या होता है, मैं सच्ची आपको बात बताती हूँ, कास्टिंग जो होती है फिल्म की वो ना वो गट इंस्टिंक्ट नहीं वो लिखी भी होती है, यू नो. वो मैं बहुत इस बात को मानती हूँ. और ये इतनी बार आप देखोगे फिल्मों में, इतनी फिल्मों में ऐसा हुआ है कि कौन पिक्चर कर रहा था, कौन करके चले जाता है, यू नो. तो ये तो बस ऊपर से लिखा हुआ आई थिंक आता है. एंड हम बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी हैं और बहुत यू नो ग्रेटफुल हैं दैट ही यू नो वर्क्ड विद अस एंड ही अग्रीड टू वर्क ऑन दिस फिल्म.